हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आईसी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जोधपुर की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आई है, जिसमें की वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। टोटल वैकेंसीज कितनी निकाली गई है, फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकती हैं, क्या फ्रेशर कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर पाएंगे, उसके अलावा यहां पे कैसा आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के इस अपडेट को स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की तरफ से निकाला गया ये ऑफिशियल नोटिस है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप इनका देख सकते हैं। नॉन एकेडमिक स्टाफ के लिए 57 वैकेंसीज रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट जो रहेगा वेरियस आपकी नॉन टीचिंग पोजिशन के लिए रहेगा, जिसमें की यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग जो पोजीशन रहेंगी उसके लिए आप 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक जो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 7 मई जो रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने की। कोई हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। डिटेल में हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी रहेंगी। तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है आईआईटी जोधपुर में। इसमें आप देख सकते हैं टेक्निकल पोस्ट जो आपकी रहेंगी, इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी, उसके अलावा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में। यहाँ पे एक एक पोस्ट रहेगी, इसमें लेवल 5 का पे स्केल रहेगा, लेवल 3 का पे स्केल रहेगा एंड 29,200 से लेकर आपका 21,700 यहाँ पे सैलरी रहेगा यहाँ पे जूनियर और सीनियर के पोस्ट के लिए। बाकी सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक, यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में जो आपकी वैकेंसी रहेगी CRDCI में, यहाँ पे भी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट रहेगी और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 3 पोस्ट रहेगी। इसमें आपको जो 35,400 सैलरी दी जाएगी वो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए रहेगी, 21,700 आपकी रहेगी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग में जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे एक एक पोस्ट रहेगी, सैलरी यहाँ पे भी सेम रहेगी। केमिस्ट्री में भी यहाँ पे जो वो आपकी पोस्ट सेम रहेगी, सैलरी यहाँ पे 29,200 आपकी रहेगी यानी 21,700 आपकी सेम सैलरी रहेगी लेवल 3 के पे स्केल के अकॉर्डिंग। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट यहाँ पे, टोटल 3 वैकेंसी रहेंगी, इसमें भी सेम सैलरी रहेगी। उसके अलावा कंप्यूटर सेंटर में जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल आपकी यहाँ पे 9 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें की पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी रहेंगी, 47,600 सैलरी आपको देखने को मिलेगी। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पोस्ट रहेगी, 35,400 सैलरी रहेगी। यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी एक एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसमें भी सैलरी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म में IDRP में जो वैकेंसी रहेगी वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक ही पोस्ट रहेगी, 21,700 सैलरी देखने को मिलेगी। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम IIS डिवीजन में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक वैकेंसी रहेगी, 47,600 आपको सैलरी देखने को मिलेगी। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज आपको लगभग देखने को मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी रहेंगी, 2 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की रहेंगी, बाकी जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट की रहेंगी, इसमें भी सैलरी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मेटलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग पोस्ट रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे फिजिक्स में आपके लिए एक पोस्ट रहेगी, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में आपके लिए एक वैकेंसी रहेगी, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में एक वैकेंसी रहेगी। अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करें, इसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, साइंटिफिक ऑफिसर, वर्कशॉप मैनेजर, मैनेजर यहाँ पे ICT नेटवर्किंग मैनेजर, ICT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफिसर की रहेगी, असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्किंग की रहेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, फिजिकल यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर की, टोटल 74 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रहेंगी, इसमें 48 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें कि डिप्टी रजिस्ट्रार, ऑडिट एंड अकाउंट, हिंदी ऑफिसर की, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की, सुपरिटेंडेंट की, मैनेजर की, उसके अलावा जूनियर सुपरिटेंडेंट की, सीनियर असिस्टेंट की एंड जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी रहेंगी। इसमें 7880 आपको यहाँ पे जो सैलरी देखने को मिलेगी, 78,800 सैलरी आपकी रहेगी डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। तो ये था वैकेंसीज का। अब हम बात करें यहाँ पे
तो यहाँ पे जो आपको ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा, एडमिसिबल आपका बेनिफिट रहेंगे, बेसिक पे, डीए, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बाकी यहाँ पे एज बार जो आपका रहेगा वो आपको पोस्ट वाइज दिया गया है। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स की बात करें, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर आपके ऐसे इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएससी के लिए यहाँ पे दिए गए हैं हेयरिंग कैंडिडेट के लिए। बाकी बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो बीई, बीटेक, बीएससी अगर आपने कर रखी है अप्लाई आप कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी आपका बीई, बीटेक मांगा गया है। 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे बायोलॉजिकल इक्विपमेंट का रहेगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे सेंटर रिसर्च के लिए जो आपकी वैकेंसी रहेगी जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की, इसमें भी आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, या तो आपने बीई, बीटेक कर रखी है तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बीई, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। या पर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे 3 साल के डिप्लोमा के साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री मांगी गई है 3 साल एक्सपीरियंस के साथ में। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में मास्टर डिग्री बीई, बीटेक आपकी होनी चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे जो आपके लिए सारी वैकेंसी दी गई हैं, जैसे सिविल के लिए आपकी वैकेंसी रहेगी, इसमें बीई, बीटेक आपकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, और जूनियर वालों के लिए जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। एज आपकी 35, 30, 27 आपकी दी गई है रेलिवेंट पोस्ट के लिए। जूनियर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो आपके लिए पोस्ट मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पोस्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में मास्टर डिग्री के साथ साथ में फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको वैकेंसीज दी गई हैं वो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको डिटेल दी गई है। तो ये सारी मैं आपको यहाँ पे जो वो मेंशन कर दूंगा इसके टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप वहां से जाके इसका ऑफिशियल नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपके लिए जो वैकेंसी रहेगी वो बीई, बीटेक आपकी 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे वर्कशॉप मैनेजर के लिए जो पोस्ट रहेगी, इसमें एमटेक आपकी होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके अलावा यहाँ पे जो मैनेजर की रहेगी पोस्ट, इसमें बीई, बीटेक आपकी होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी फ्रेशर और यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट, उसके अलावा यहाँ पे जो वो आपकी हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी, ये मास्टर डिग्री वालों के लिए रहेगी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बैचलर डिग्री रहेगी, 5 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ये सारी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो स्टेप 1 आपका रजिस्ट्रेशन का रहेगा, स्टेप 2 आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का रहेगा, फीस सबमिशन का रहेगा, फिर आपका 4 आपका फ्रीजिंग ऑफ एप्लीकेशन का रहेगा। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एब्रीवेशन आपको दी गई है, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। 5 ईयर्स, 3 ईयर्स का आपको यहाँ पे जो वो एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो सारी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी मेन मेन चीजें आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा, जो भी पोस्ट आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपका रहेगा। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो आपकी रहेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1000 रुपीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 500 रुपीज जो आपकी रहेगी वो ऑल अदर पोस्ट के लिए रखी गई है, जो आपका लेवल 10 की पे स्केल की रहेगी पोस्ट, उनके लिए आपकी 1000 रुपीज रहेगी। और जो आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट्स रहेंगे वो यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट वाले, वो यहाँ पे एग्जेम्पशन रहेंगे फीस से, उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 रुपीज एंड 500 रुपीज आपको फीस जो देखने को मिल जाएगी रेलिवेंट यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है उसके लिए दी गई है। बाकी जो आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा वो आप देख सकते हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का एग्जाम शेड्यूल जो वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड से करना है, 7 मई तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसमें आपका जो अटैचमेंट रहेगा, ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपके जो रहेंगे कैंडिडेट, वो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे। बाकी आपका कम्प्लीट होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस आपको दिया गया है, इस पे आपको यहाँ पे जो वो सेंड नहीं करना है। अदर पोस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पर सेंड करना पड़ता था, बट यहाँ पे जो वो सेंड का नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे हार्ड कॉपी जो वो जमा नहीं करवाएंगे। विदाउट हार्ड कॉपी भी आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो रहेगा रिटन टेस्ट रहेगा यहाँ पे, उसके अलावा जो वो आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, बाकी कुछ पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। काफी अच्छी अपडेट है, तो आप इस अपडेट के साथ में अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाएं फॉर्म को अप्लाई कर लें, जल्दी से जाकर आप फॉर्म को कंप्लीट करें। और आज की इस वीडियो में
इतना ही। वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।